हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। और कौन सा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट? जिससे उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बनाया था, मतलब प्रैक्टिकली पहली बार जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बनाया था वो था हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। देखो, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आपके 8th चैप्टर का टॉपिक है। इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बहुत आसान लगे और हमें सब समझ आ जाए। क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए? देखो, आपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम इस फॉर्मूला से देते हैं, E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज एरियल चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर सिग्मा की वैल्यू हम ओपन करें तो ये क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट। इससे पता लग रहा है कि जहां पे एरिया कम होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रोंग होता है, मतलब जो शार्प एजेस होते हैं, जैसे यहां पे देखें ये वाला जो एंड है काफी शार्प है, यहां का अगर अपने एरिया देखें तो बहुत कम होगा, यहां एरिया बहुत कम होगा तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दीज पॉइंट्स, क्योंकि यहां पे देखें तो एरिया नॉर्मल है, यहां पे एरिया बहुत कम है जो देखने में एरिया होगा। तो जहाँ शार्प एजेस होते हैं, मतलब जहाँ एरिया कम होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और सेकंड चैप्टर के अंदर हमने कोरोना डिस्चार्ज भी इससे बनाया था, मतलब ठीक है। तो आपको मेन ये चीज़ समझनी थी कि जहाँ एरिया कम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा उसके आस पास जो एयर है उसका ब्रेक डाउन भी हो सकता है। ब्रेक डाउन का मतलब, जैसे शार्प एज है, एरिया कम, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बहुत ज्यादा, यहां क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा तो इसके आसपास इतनी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पुश करता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो मान लो यहां पे जो एयर का मॉलिक्यूल है उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे फोर्स भी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा। तो मान लो पॉजिटिव है उस पे फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव पे फिर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो एयर होगी वो आयनाइज हो जाएगी, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाएगी। अब यहाँ की जो एयर होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो गए तो क्या वो इंसुलेटर रह पाएगी? अरे फिर तो हम उसको कंडक्टर बोलेंगे ना, तो इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर या ब्रेक डाउन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। किसके कारण हुआ ये? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बना? शार्प एजिस पे। तो एक ये चीज हमको पता होनी चाहिए थी। सेकंड हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था। देखो, हमने डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, ठीक है। और फेराडेस लो 6th चैप्टर में हमने ये बात पढ़ी थी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। मतलब अब इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो बात क्या बनती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे को बना सकते हैं। और इसी से क्या बना था हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी थी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशंस थे और जिसकी हेल्प से एनर्जी आगे प्रोपिगेट करती थी, और उस एनर्जी के प्रोपिगेशन को ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला था। क्योंकि वेव क्या होती है, एक तरह से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, डिस्टरबेंस होती है मीडियम की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में वो आगे जा रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला था। अब हमें इस बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, अब हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बहुत आराम से समझ आएगा, क्योंकि एक एक बात हमें पता होगी कि हम इसके अंदर ये अप्लायंस ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर ही क्यों रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं अभी, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को। चलो देखो भी हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। देखो सबसे पहले मैं इसका प्रैक्टिकल अरेंजमेंट बना देता हूं। हर्ट्ज ने क्या किया था, एक सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज किया था, और उसने उस टाइम पे इसको इंडक्शन कॉइल बोला था, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर जैसा ही तो हो गया ये, अपना क्या हो गया, इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखेंगे, तो ये क्या अपना एक तरह से स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इधर क्या लगाया था उसने, देखो इधर, यहाँ पे उसने एक कैपेसिटर यूज़ किया था, और ध्यान से देखना,
कैपेसिटर को थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ, कैपेसिटर यूज़ किया था और अंदर वाली साइड एक ऐसे करके मतलब ऐसी शेप वाली थोड़ी से बना दिया था, ठीक है, मेटल के ही, मतलब ये क्या बोल सकते हैं इसको, बॉल टाइप, छोटी छोटी बॉल्स एक तरह से मेटल की कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में लगा दी। और इस वाली साइड में उसने क्या रखी थी, एक कॉइल रखी थी ऐसे, रिंग मतलब पूरी कंप्लीट रिंग नहीं थी, इसमें थोड़ा सा ऐसे था, थोड़ा सा सेपरेशन था, मतलब ऐसे करके कंप्लीट रिंग नहीं है, रिंग का एक छोटा सा पार्ट कट किया हुआ है। तो इसने यहां से यहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर करवाई थी। अब कैसे करवाई थी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे ही देखो ये पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल कोई भी आ सकता है, मैं पॉजिटिव मान लेता हूं। जैसे ही पॉजिटिव साइकिल मतलब एसी लगाई हुई है, ये ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप होके यहां जाएगी, मान लो पॉजिटिव साइकिल पहले यहां पे पहुंच गया, तो धीरे धीरे कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना शुरू होगा। जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, यहां पे पॉजिटिव है तो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव होना स्टार्ट होगी, होगी क्या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, अब नीचे भी तो ये मेटल है, ये मेटल की छोटी छोटी बॉल्स हैं, तो चार्ज तो इस पे भी इकट्ठा होगा, चार्ज तो इसमें भी इकट्ठा होगा और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, होगा कि नहीं होगा। जब पूरी मेटल है तो पॉजिटिव पूरी मेटल पे इकट्ठा होगा, इधर नेगेटिव पूरी मेटल पे इकट्ठा होगा। अब देखो ये बॉल्स बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, तो अभी हम ही हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ शार्प एंड्स होते हैं या बहुत स्मॉल एरिया होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बहुत स्ट्रांग होगा, इन दोनों छोटी बॉल्स के बीच में बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे बीच में जो एयर है उसका आयनाइजेशन हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे स्पार्क दिखेगी, यहाँ पे क्या दिखेगी, स्पार्क, इधर से इधर स्पार्क दिखेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेगा, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगी, स्पार्क दिखेगी, करंट चलेगा ना, बीच में जो एयर है उसका आयनाइजेशन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ भागेगा या ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा, अगर ये चलेगा तो करंट चलेगा, करंट चलेगा तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगी, स्पार्क दिखेगी। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, करंट, करंट मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकता है, तो इस करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कुछ ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, 3D में सोचो ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस रिंग को, जो मतलब कंप्लीट रिंग नहीं है, मतलब थोड़ी सी कट की हुई रिंग है, कंप्लीट रिंग नहीं है, इसमें से क्रॉस करेगा। और आपको पता है जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें से क्रॉस करेगा, तो पहले तो इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड था नहीं, अब एकदम से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज हुआ, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, फिर इंड्यूस EMF। करंट अभी नहीं बोल सकते क्योंकि कंप्लीट नहीं है, करंट चलने के लिए कंप्लीट पाथ चाहिए, तो एक तरह से इसके अंदर क्या हो जाएगा, EMF जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो मान लो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब फिर से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, अगेन ये एरिया बहुत कम है, एरिया बहुत कम है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से यहां पे आयनाइजेशन, आयनाइजेशन होगा, तो यहां पे भी हमें क्या दिखेगी, स्पार्क दिखेगी। तो इस तरह से इसकी स्पार्क यहां तक एक तरह से हम बोल सकते हैं ट्रांसफर होगी। तो इस तरह से उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां से यहां तक ट्रांसफर की, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही सेम, यहां पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से यहां करंट जनरेट हुआ, इस चेंजिंग करंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, फिर यहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहां पे करंट जनरेट हो गया, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। तो यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट को बनाएगी, और इनके थ्रू एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। तो इस तरह से हर्ट्ज ने क्या किया, हमारे हर्ट्ज ने पहली बार प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफर किया, और ये बहुत शॉर्ट रेंज ट्रांसमिशन था। इसके बाद हमारे इंडियन साइंटिस्ट, पता नहीं शायद जगदीश चंद्र बसु थे कि पता नहीं, इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको थोड़ा दूर तक सेंड किया था, बट उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया था, तो उनके मॉडल में फिर मार्कोनी ने हल्का सा बस चेंज किया था,
और अपना पेटेंट करवा लिया था लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, क्योंकि जो अपने वो सत्येंद्रनाथ बोस थे, पता नहीं जगदीश चंद्र बसु थे, नाम मेरे को कंफर्म नहीं है, वो ये मानते थे कि मैं जो भी काम करता हूँ ह्यूमैनिटी के लिए करता हूँ, अपने खुद को मैं क्रेडिट नहीं देना चाहता। तो उन्होंने फिर ओपन रखा था कि मैं इसको पेटेंट नहीं करवाऊंगा, कोई भी साइंटिस्ट इस पे आगे फर्दर स्टडी कर सकता है। लेकिन मार्कोनी साहब ने इतना कोई तीर नहीं मारा था आगे, थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया था और पेटेंट करवा लिया था। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से पेटेंट करवा लेते तो बढ़िया था, इंडिया को ऐसे मिलते। तो थैंक यू सो मच, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये अपना था हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, डू सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।